हेलो एवरीवन। चलो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ टेंशन व्हेन इट कम्स टू द कोविड-19 सिचुएशन। तो सबसे पहले तो देखो यूके में क्या हो रहा है। तो एवरीवन कैन यू सी, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। यूके में जो टोटल केसेस हैं, ध्यान से देखो, इसकी स्लो बढ़ रही थी बढ़ रही थी बढ़ रही थी, फिर ये देखो एक लीनियर हुआ और फिर ये देखो फ्लैट होने लगा। कैन यू ऑल सी दिस? ये यूके की सिचुएशन है। यूके में पॉपुलेशन कम है काफ़ी इंडिया के कंपेरिजन में, और ये देखो ये इसे कहते हैं फ्लैटनिंग द कर्व। मतलब अब ये मैक्सिमा आएगा और फिर ये चीज़ें नॉर्मल होने लग जाएंगी। इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है? लोग ठीक होने लग जाएंगे। जो लोग ज़्यादा बाहर घूमते थे वो एक बार इन्फेक्ट ऑलरेडी हो गए हैं, अब वो दोबारा नहीं हो सकते, तो दैट इज़ वाई द कर्व फ्लैटन्स। ठीक है, समझे मेरी बात? तो ये कर्व फ्लैटन होता है। बट इंडिया के केस में ना प्रॉब्लम है, सैड ये है कि हम ना बहुत इनिशियल स्टेजेस में, हम यहीं पर हैं। प्लीज़ इस चीज़ को देखिए, हमारी पीक बहुत बड़ी होगी। जैसे अब मैं आपको थोड़ा इंडिया का दिखाता हूँ। लेट मी जस्ट चेंज इट हियर। इंडिया INDIA है ना, इनका जैसे 300K पे फ्लैट हो रहा है कर्व, है ना? बट इंडिया के केस में अगर आप देखोगे तो इट इज़ जस्ट गोइंग अप, इट इज़ जस्ट गोइंग अप। और आज एक आर्टिकल भी आया था जो मैंने अपने काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर किया था कि 50% ऑफ द कंट्री कैन बी अफेक्टेड। तो यार इसमें ये देखो स्लो बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, बहुत ऊपर जाके ये देखो बहुत ऊपर जाके यहाँ पे ऐसे फ्लैट होगी कहीं कहीं, बट यू कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट। तो अभी दिस इज़ नॉट अ गुड साइन, प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये अच्छा साइन नहीं है। इसमें देखो स्लो बढ़ती जा रही है, देख रहे हो? स्लोप ऐसे 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 बढ़ती जा रही है। सो लेट्स सी, अगर हम यूएस के हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं तो लेट्स ऑल्सो लुक एट यूएसए। आई होप यूएसए, ओके यूएस नहीं है तो यूएस डालते हैं, इंडिया और यहाँ पे यूएस डालते हैं। रुकिए एक मिनट, यूएस है ना, इनका सीन देखते हैं। हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स आ गया है ना। सो अब हम इफ़ यू टॉक अबाउट द यूएस, अरे कहाँ गया इसका कर्व? हाँ, तो यूनाइटेड स्टेट्स में, अरे कहाँ गया इसका? ओके, इसका अलग से देखना चाहते हैं अपन। ओके, इनका इनका खुद का पूरा आ गया है कि कौन सी स्टेट्स में क्या क्या सीन है। हाँ, तो इफ़ यू सी, ये भी अपनी पीक को टच कर रहा है। ये ऐसे 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 था, हम यहाँ पे कहीं हैं बेटा, सुनो, हम यहाँ पे कहीं हैं, वी आर समवेयर हियर। देर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, देर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, ठीक है? हाँ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो रहेगा ही रहेगा, बट अभी तक ना किसी ने अपनी पीक नहीं देखी है। यूके देख रहा है, यूके देख रहा है समहाउ, बट अभी आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ये जो यहाँ पे बहुत सतर्क रहना है अपन को। फिर पीक आएगी, फिर ऑटोमेटिकली फिर ये सिमेट्रिक, मतलब जो सिचुएशन यहाँ पे थी, जितना रिस्क यहाँ पे था उतना ही रिस्क यहाँ पे होगा, मैक्सिमम रिस्क यहाँ पे होगा। तो यार आई होप अब आपको समझ में आ गया कि भाई थोड़ा अंदर रहना है। इंडिया में वैसे ही हम मतलब बहुत डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है, और अभी टू बी ऑनेस्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि एग्जाम कब होंगे कैसे होंगे, मुझे नहीं पता। इफ़ यू आस्क मी, इसका जवाब देना बहुत मुश्किल हो सकता है, बट आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो, घर बैठे सब कुछ हो जाता है यार, है ना? हम इतना एनालाइज कर सकते हैं। मैंने अभी काफ़ी सारे एक्सेल में भी, मतलब मैंने सोचा था एक ग्राफ दिखा के आपको समझा दूंगा, एटलीस्ट आई होप यू गॉट अ विजुअल पर्सपेक्टिव ऑफ वॉट इज़ हैपनिंग, है ना? हर चीज़ को विजुअली समझा करो और ध्यान रखो अपना, ठीक है? काफ़ी टाइम से मैंने कोविड के बारे में कुछ बोला नहीं था क्योंकि यार कुछ बोलने लायक था नहीं है ना? बट अगेन आज जैसे एक न्यूज़ आई थी जिसमें ऐसा था कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन कैन गेट अफेक्टेड। प्लीज़ अंदर रहते हैं और मास्क यूज़ करते हैं या जो भी कर सकते हैं वो करते हैं, ठीक है? सो दैट्स अबाउट इट, ठीक है? चलो गाइस, टेक केयर। चलो एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। तो ये आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक यूपीएस लगा हुआ है ना? अगर यूपीएस लगा है, इसमें बैटरीज कनेक्ट किए हैं, है ना? अंदर पूरा यहाँ पे पड़ा हुआ है ना? नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज़ नॉट दिस, इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि इसके लिए हम इलेक्ट्रिशियन बन गए थे। सो आई डिड दिस क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई अंदर आए। तो अभी तक इट वॉज़ वेरी टफ टू बी ऑनेस्ट, मतलब यूपीएस लगाना है, बच्चों का खेल नहीं है। बहुत फिजिक्स आती है, वो सीरियल कनेक्शन और ये सब सोच लिया था, बट करने में लग गई थी, हालत ख़राब हो गई थी। ठीक है गाइस, टेक केयर, और अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करो इन दिस टाइम, थोड़ा मदद करो, है ना? बी गुड पीपल, है ना? बी एक्सट्रीमली गुड, बी एक्सट्रीमली काइंड। ये टाइम ही कुछ ऐसा है यार, है ना? और ये जितना बढ़ेगा ना उतना ज़्यादा सैडनेस बढ़ती है। आई नो सैडनेस बढ़ती है, बट सैडनेस नहीं आए, अपने आप को बिजी रखो, बेस्ट इज। अब आप बोल रहे हो सर डिप्रेसिंग बात ही कर रहे हैं, अरे यार यूट्यूब पे क्लासेस देखो चुपचाप, है ना? बिंदास रहो, ऐसे बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है। बट द थिंग इज कि डेवेस्टेटिंग हो सकती है अगर हम प्रिकॉशन नहीं लेंगे, है ना? फियर विल हेल्प अस, समझो, फियर विल हेल्प अस। इट्स वेरी, सैडनेस इज स्टिल बेटर देन फियर, है ना?
तो आई नो बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। इंस्टेड प्लान बनाओ यार कि 1 साल बाद या 1.5 साल बाद जब टूरिज्म वापस से स्टार्ट होगा, है ना, एंड गॉड फॉरबिड कि COVID-19 Pro या COVID-19 Plus नहीं आएगा, देन इन दैट केस ऑब्वियसली हम निकलेंगे कहीं बहुत।